भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म बागी एक योद्धा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर भाई धमाकेदार है और खेसारी लाल यादव की एक्टिंग स्किल की बात करें तो भाई दिनों दिन वो इतने निखरते जा रहे हैं कि जिसकी तारीफ करना तो बनता ही है। खैर, आज हम बात करेंगे ट्रेलर की और साथ ही साथ आपको बता दें कि फिल्म में आपको नजर आएंगे काजल राघवानी, रितु सिंह और विलेन अयाज खान। तो बात कर लेते हैं फिल्म के एक्शन की। शुरुआती फिल्म के ट्रेलर की एक्शन से होती है, इसलिए पहले बात एक्शन की करेंगे। इसमें एक्शन दिया है हीरा यादव ने और जो कि खेसारी लाल यादव पे बिल्कुल सूट होता है। जब आप ट्रेलर देखेंगे तो कहीं भी आपको ये नज़र ही नहीं आएगा कि ये ट्रेलर में अलग से कहीं एक्शन डाला गया है या फिर इस एक्शन की नीड नहीं थी फिर भी खेसारी ने किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ एक बात के लिए खेसारी को दाद देनी पड़ेगी कि वो दिनों दिन अपनी बॉडी को निखारते जा रहे हैं, इसलिए वो जो भी एक्शन करते हैं ऐसा लगता है कि वो एक्शन में पूरी तरह से जान डाल रहे हैं। खैर, ये तो बात रही एक्शन की। एक्शन होना फिल्म में इसलिए जरूरी है कि फिल्म का नाम ही है बागी, यानी कि जो बागी होता है वो एक्शन नहीं करे तो मजा नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं फिल्म के म्यूजिक के बारे में। तो भाई, फिल्म का म्यूजिक दिया है मधुकर शर्मा ने। आगे चलकर कई इसके गाने बड़े ही धमाल मचाने वाले हैं, जो कि रितु सिंह के साथ है एक, वो गाना काफ़ी अच्छा है। साथ ही व्हाट्सअप वाला गाना बहुत अच्छा है और रोमांटिक सॉन्ग भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, बेहतरीन है, वल्गर बिल्कुल नहीं लगेंगे। ये प्लस पॉइंट है फिल्म के म्यूजिक की। भोजपुरी में अभी भी काफ़ी फिल्मों में वल्गैरिटी है ही, लेकिन फिल्म में, फिल्म के गानों में वल्गैरिटी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि खेसारी लाल यादव पे बहुत तोहमतें लगी हैं कि वो भोजपुरी में अश्लीलता फैला रहे हैं। तो जिनको ये लग रहा है तो पिछले खेसारी की दो तीन जो फिल्में रिलीज हुई हैं उन्हें देख लें और बागी को भी देख लें, इसमें बिल्कुल भी अश्लीलता नहीं है। अब बात कर लेते हैं फिल्म के राइटर की। जी हाँ, फिल्म के राइटर है अरविंद तिवारी। इस तरह से ट्रेलर देख के लग रहा है कि फिल्म में अरविंद ने पूरी फिल्म को बांधे रखा है और डायलॉग भी काफ़ी बेहतरीन है फिल्म के, और साथ ही साथ ट्रेलर में नज़र आ जाएगा कि कोई भी जो सीन है या कोई भी जो एक भी इम्पैक्ट है फिल्म में जो डाला गया है वो गलत नहीं लग रहा है। ट्रेलर ही बहुत बेहतरीन है, इसके वजह से शायद यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद तिवारी ने बड़ी मझी हुई स्क्रिप्ट लिखी है। अब बात करते हैं भाई कैप्टन ऑफ शिप यानी कि डायरेक्टर की। जी हाँ, शेखर शर्मा ने डायरेक्शन किया है फिल्म का और खेसारी के फैंस को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इस फिल्म का। खेसारी इस फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, साथ ही साथ वो काजल राघवानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ जो कि बहुत ही बखूबी ढंग से डायरेक्टर को ही क्रेडिट जाता है दिखाई गई है फिल्म में, वो है फिल्म का क्लाइमैक्स। जी हाँ, आपको कई ऐसी भोजपुरी और बड़ी फिल्में मिल जाएंगी जहाँ फिल्म का ट्रेलर शुरू में अच्छा है, मिडिल में अच्छा है, लेकिन क्लाइमैक्स देखने के बाद ऐसे लगता है ओ ये क्या हो गया। लेकिन फिल्म बागी का क्लाइमैक्स देखने के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा, जहां काजल राघवानी पिस्तौल उठाती हैं और खेसारी लाल यादव पर तान देती हैं। यहां पर ऐसा लगता है तब कि खेसारी नहीं काजल राघवानी बागी है, और इसके लिए तो भाई फिल्म के डायरेक्टर शेखर शर्मा के लिए क्लैप तो बनता है। आपको हम जब इस फिल्म का रिव्यू कर रहे थे तो शुरू से म्यूजिक डायरेक्टर से लेके डायरेक्टर तक की बातें इसलिए की क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में छिप जाते हैं एक फिल्म को हिट और फ्लॉप बनाने के लिए। लेकिन ज़्यादातर ट्रेलर रिव्यू, फिल्म रिव्यू में ये हमेशा छुप जाते हैं, लेकिन अच्छा है कि इन्हें भी वो एप्रिसिएशन, वो क्लैप मिलना चाहिए जो फिल्म के एक्टरों को मिलता है, जो फिल्म के एक्टरों को मिलता है। हाँ, अगर आपको फिल्म का म्यूजिक सुनना है तो आप वर्ल्ड वाइल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाइए। जल्द ही इस फिल्म के कई गाने भी रिलीज किए जाएंगे। जी हाँ, जाते जाते इस फिल्म के ट्रेलर को हम अपनी तरफ से 4 स्टार देते हैं 5 में से। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल